आज हम लोग मार्केट गए थे कुछ सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हमको ये वॉशिंग मशीन सैमसंग की पसंद आ गई तो हमने ये वॉशिंग मशीन ले ली है, परचेस कर ली है और अभी छोड़ के आए हैं, वॉशिंग मशीन छोड़ के गए हैं तो ये डेमो देने के लिए भैया आए हुए हैं, तो ये डेमो देंगे, देखिए बताएंगे, मुझे भी बताएंगे, आप भी सुनिए कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या किस तरह से यूज़ करना है, तो ये डेमो दे रहे हैं भैया, बताइए भैया। देखिए मैम जी, ये पाइप का इनलेट वाला है, इससे पानी अंदर जाता है। अच्छा अच्छा, इसको आप सप्ते में, महीने में, एक दो महीने में कभी भी आप साफ कर सकते हो। हाँ। इसे साफ करते रहने से ये फायदा होता है इनको सप्ते हाँ। में हाँ। जो गंदगी रहता है यहाँ फंस जाता है, वो अंदर मोटर में जाता नहीं, पानी में जो गंदगी आती है हाँ, कभी कभी धूल मिट्टी भी रहता है, कचरा भी रहता है, इससे मोटर में जाता नहीं है जी, इससे आपका मोटर सुरक्षित रहता है, इसे साफ करते रहने से आपको मोटर खराब नहीं होगा, अगर इसको साफ नहीं कर देना तो पूरा गंदगी अंदर चला जाएगा। एक महीने में एक बार साफ कर देगी, हर एक सप्ताह में भी साफ कर सकते हैं। अच्छा ठीक, सप्ताह में कर दूंगी, सप्ताह में साफ करूंगा, आपके लिए अच्छा है ना, मोटर खराब नहीं होगा, आपके तक फायदा है, बस नॉर्मल ऐसे ही लगाना है, धक के देना थोड़ा सा। अच्छा बस, और जब भी खोलना है तो आपको स्लाइड करके खोल, इसको लगाना है, बता सकती है हाँ, कर स्लाइड करिए। नॉर्मली जब भी खोलना है तो नॉर्मली आप ही खोले, पाना पीछे रोज रोज खोले की जरूरत नहीं है, नहीं बस इमरजेंसी में कभी साफ करना है तो धूल मिट्टी आ गया तो साफ करना है, ठीक हो सकती है। बस ये ध्यान दीजिए, ये पानी का इनलेट वाला, जब भी कपड़ा धोएंगे तो पानी इससे बाहर चला जाता है, और साफ सफाई कर दिए, मशीन बंद किया तो इसको ऊपर करके यहाँ पे इसका दिया है, अच्छा। दिया है, इसको अटका देना है, इसको यहाँ पे, अच्छा कुंडा लगा हुआ है इसका, यहाँ पे रख देने से इसमें क्या है, गंदगी नहीं जाएगी, नहीं जाएगा, चूहा वगैरह कुछ नहीं जाएगा, कॉकरोच वगैरह हो जाए वो सब नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कुछ चला जाता है तो अंदर मशीन चला जाएगा, नुकसान कर जाएगा, काट वोट सही ऊपर रखना है, जब भी मशीन चालू करें तो इस तरह नीचे ही रखना पड़ेगा। अब ये भी समझा दीजिए, और ये पाइप का है, यहाँ से आपको नल हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करना है तो कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसा खींच देना है, ऊपर खींच देना है, मुंह हट जाएगा। कैसे कैसे किए बताइए, इसको अंदर दबाना है, अच्छा फिर इसको लगाना है सर, अच्छा फिर छोड़ देना है, टाइट हो जाएगा, फिर उसको दबाना है, फिर इसको दबाना है नीचे, खींच देना है, खुल जाता है, ठीक। तो इसको आप फिर ये जो है ना, इसका स्क्रू को यूज करना पड़ता है, ये स्क्रू ड्राइवर लेना है हमको, और इस प्रकार से इसको लूज करना है टाइट, ये स्क्रू है, चार स्क्रू, इसको लूज करना है, देते हैं। हर बार लूज करना पड़ेगा, नहीं नहीं इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता है, अच्छा एक बार कर दिए तो ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा, इसको निकालना नहीं है, अच्छा अगर बार बार निकालते रहोगे ना ये लूज हो जाता है स्क्रू, लगता नहीं है, फिर पानी लीकेज जाने का प्रॉब्लम होता है हर जगह पे, अच्छा अगर कभी बाई चांस अगर खराब हो गया तो सर्विस सेंटर में कॉल करके बोल दीजिए चाहिए करके, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको, बुला लेंगे ना, आप तो करोगे ना जी मैम, सर्विसिंग तो आप ही करोगे ना जी मैम, ठीक है ना, आप कर देना, बुला लेंगे आप, है ना, यह है इसको ऐसे लगाना है, अगर पाइप साथ इसके साथ लगाओगे ना स्टार्टिंग में हाँ। तो कभी कभार घुमाने में ना दिक्कत आता है, तो एक कभी कभार टूट भी जाता है, तो इसको निकाल छोड़ दीजिए ऐसा हाँ। खाली इसको नॉर्मली करना, ये देखिए जो काला वाला दिख रहा है ना वो रबर का है, रबर का है, वो टाइट होता है पानी पाइप में, ये देखिए इनका थ्रेड बड़ा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, डरने वाली कोई बात नहीं, बस इसको खोल देना है, खुल गया, अच्छा काला वाला निकाल दिए, फिर व्हाइट वाला निकाल दिए, तो व्हाइट वाला ये वाशर का काम करता है, अगर आपका नल छोटा है तो इसमें लग जाएगा तो अच्छी बात है, पानी कहीं लीकेज नहीं होगा ऐसा, तो इसको हटा देना, अगर बड़ा रहता है तो ठीक, फिर वापस ऐसा लगा दिए, काला वाला लग जाएगा, रबर है, रबर लगा दिए, फिर इसको ऐसा टाइट कर दिए नॉर्मल हाथ से, देखिए टाइट हो गया, थोड़ा सा हल्का टाइट करिए, ज़्यादा टाइट मत करिए, इसको बाद में फिर टाइट करना पड़ता है, रबर को दबाने के लिए इसको लूज कर दिए थोड़ा सा, ठीक ताकि अंदर चला जाए, एक अपना लूज हो गया, अब दर्द देखते हैं, अरे फिर भी नहीं आ रहा है, और लूज कर दिए,
देखिए हो गया पूरा लूज हो गया, अब डाल देंगे, देखो आ गया परमानेंट फिक्स हो गया। फिर ऐसा करना है, फिर थोड़ा सा टाइट करना है एक साइड, थोड़ा सा घुमा लेना, जिस साइड नहीं करना है उसको पहले टाइट करना है। देखिए उस साइड का दिख रहा है, उस साइड टाइट नहीं कर सकते स्क्रू ड्राइवर साथ, हाथ से पहले टाइट करना है, उसके बाद ये तीनों चीज को छोड़ देना है, उसके बाद इसको साथ टाइट करना है इसको। देखिए ये टाइट हो गया इस तरह करा, ये देखो ठीक रहा है। कभी कभार ना काम होता नहीं है, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो ठीक रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बड़ा स्क्रू है तो इधर ठीक रहा है साइड में, तो आप ऐसा आप मेरे तरह आप छोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें टाइट करने में बहुत दिक्कत नहीं होता है, आराम से इजीली टाइट कर सकते हैं। देखिए टाइट हो गया इस साइड में, ये देखो यहाँ पर घुमाने में दिक्कत नहीं होता, छोटा वाला टाइट हो गया। ये देखिए टाइट हो गया। और इसके बाद क्या करना है, इसको जो हम लूज किए थे इसको तो टाइट करना है। देखिए अगर लूज कर इसको टाइट नहीं करेंगे ना, पानी पूरा बाहर फिका जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको सैंपल, ये अपना इसको पूरा अंदर खींचना है ऐसे, फिर ऐसा लाना है, छोड़ देना है, फिर लग जाएगा ऐसा, थोड़ा दूर रखिए ना। ये देखिए पानी पूरा बाहर आ रहा है, अब देखिए इसको टाइट नहीं किए हम लोग, इसलिए पानी बाहर आ रहा है, इसको टाइट करना पड़ता है। जो काला वाला वाशर हमको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो चिपकना चाहिए अंदर में। अच्छा टाइट, अब देखिए देखिए थोड़ा अलग अलग आ रहा है, लेकिन नीचे से नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहा है। देखिए ये थ्रेड का दिस ऊपर से आ रहा है, क्योंकि हम लोग वाशर हटा दिए थे, फिर भी आ रहा है थोड़ा सा। तो अगर आपका प्लम्बर वाले के पास रहता है सेलो टेप, वो लगा सकते हो, या फिर वाइट टेप भी आता है वो भी लगा सकते हो। प्लम्बर लोग जो इस्तेमाल कर सकते टेप का तो मालूम नहीं नाम, लेकिन उसको लगा के आप टाइट कर दोगे तो पानी बाहर लीकेज होने का चांस नहीं है रहेगा। उसको कल उसके साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्लग लगा लिए हम लोग, किसी किसी में ना नॉर्मल प्लग है, किसी किसी में पावर प्लग भी आता है, तो ये नॉर्मल प्लग में लग जाएगा, और पावर प्लग रहेगा तो इसलिए पावर प्लग अलग से लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा देखिए हाँ मैम ऑन करिए ना आपको मशीन, यहाँ से ऑन करूँ? जी मैम हाँ ये हो गया ऑन, अब क्या करूँ? देखिए मैम अभी एक नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा था, तो ये नॉर्मल है, इसमें आप जो भी कपड़ा डेली के यूज करते हो उस कपड़े को आप ये लगा सकते हो, धोने के लिए डाल सकते हैं। ये है ऑप्शन वाला बटन है, दबाई ना इसको दबाऊं? जी मैम एक आया, तो मतलब आप ये नॉर्मल कपड़ा धो सकते हैं इसमें, ठीक है। और सभी प्रकार के कपड़े डाल, कोई भी कपड़ा जो रेगुलर इस्तेमाल करते हो उसको धो सकते हो। और ऑप्शन दबाई में, और एक बार देखिए फंक्शन है, चेंज करते रहने से ऑटोमेटिक नंबर वाइप आता है, दो आ गया, तीन आ गया तो मतलब इसके लिए, चार आ गया तो मतलब इसके लिए, पांच आ गया फिर इसके लिए, छह आ गया मतलब इसके लिए, सात आठ तक है, ये आठ फंक्शन है। आठों में से जो फंक्शन आपको चलाना है इसमें से आपको सेलेक्ट करना है नंबर वाइज, ठीक है। अभी नंबर एक का बता दिया तो अभी दूसरा देख लीजिए, ये क्विक वॉश है। अगर इसमें नॉर्मल वॉश में क्या होता है, आपको मशीन नॉर्मल तरीके से घूमने चालू हो जाएगा स्लो में, और क्विक वॉश में क्या होता है, क्विक वॉश में जल्दी होएगा, आपका जल्दी कपड़ा धो के देगा 15 मिनट के अंदर, और आपका मशीन है फुल स्पीड में घूमेगा। नॉर्मल में स्लो घूमता है, क्विक वॉश में आपको ऑफिस जाना है, किसी गांव जाना है, तो इसमें क्या होता है आपके लिए पूरी स्पीड में घूम के वो काम करके देता है 15 मिनट में। डेलिकेट है तीसरा ऑप्शन, डेलिकेट में अगर आप पानी में डुबा के रखते हो तो नाजुक कपड़े जो रहते हैं उसको भी डुबा के रख सकते हो, तो आपके पास या आपके वॉलर के पास गंदा जो रहता है उसको आप पॉज करके निकाल के रगड़ रगड़ के भी धो सकते हो, और फिर डाल के वो कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो आगे का। अरे बेडिंग है, बेड शीट कपड़ा जो मोटा मोटा कपड़ा कंबल हो गया, चादर हो गया, तो आप इसमें लाके धो सकते हो। अरे पांचवा आपका ये जींस हो गया, जींस तो जानती हो नॉर्मल पहनते हो, मोटा रहता है, मोटा रहता है, तो आप हमेशा जींस धोते हो तो इसमें लाके रखिए ज्यादा जींस। अगर आपका एक दो जींस है तो आप नॉर्मल भी धो सकते हो, अगर ज्यादा जींस है तो इसमें धो सकते हो जींस कपड़ा के लिए। और आपका ये एनर्जी सेविंग,
एनर्जी सेविंग में आपका लो कंज्यूमर है, आपका बिजली की खपत बहुत कम ही यूज करेगा और आपका मशीन अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हो, नॉर्मल भी जो यूज करते हो आप इसमें भी यूज कर सकते हो। ये और ये दोनों एक ही है, हाँ एक ही है। इसमें बिजली कम खर्च, इसमें बिजली कम खर्च होगा। अच्छा, अगर आपको बरसात का दिन है तो आपको वॉश नहीं करना है या फिर रिंस और स्पिन करना है, कभी कभार कपड़ा गंदा रहता है तो आप बाल्टी में डुबा के रखी हो, हाथ से धो लिए, हाथ से धो लिए, तो इसमें लाना है रिंस और स्पिन। आपको रिंस में धो देगा नॉर्मल पानी से, फिर स्पिन में पानी निचोड़ देगा और फिर आपको कपड़ा सुखा के सुखा देगा, सुखा देगा। लास्ट में इकोटॉप क्लीन, इकोटॉप क्लीन में क्या होता है ये देखिए, ये आटो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डालना है, सरफ वगैरह जो भी आप डेली यूज करते हो उसके लिए है। तो अंदर से पानी आता है, वो पानी इधर में सरफ में आ जाता है, फिर घूमना चालू हो जाता है पानी के प्रेशर से, जो आपका सरफ है डिटर्जेंट और नीचे चला जाता है पानी के साथ घूम के। अगर आपको कपड़ों में सुगंधित आना लाना है, कंफर्ट अगर आता है डिटर्जेंट खुशबू के लिए, कपड़ों के फ्रेशनेस के लिए, तो आप यहाँ पे डालना है वो लिक्विड डालना है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा और तीसरा मैं आपको बताया ना यहाँ पे इको टब क्लीन, टब को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट आता है, वो आपको यहाँ पे डालना है इस जगह पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे डालना है होल में, हाँ ये होल में डालना है मैम। और कुछ कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं डालना है, बंद कर देना है, खाली करके, मतलब खाली इसकी सफाई के लिए है, जैसे सफाई के लिए। आपको हर एक महीने में दो महीने में सफाई करते रहोगे ना, तो आपका मतलब टब क्लीन रहेगा अच्छे से और अच्छे से साफ रहेगा, तो आपका कपड़ा भी अच्छे से साफ रहेगा। दो महीना तीन महीना करेंगे ना तो उसमें धूल बढ़ जाता है, तो अच्छे साफ नहीं होता कभी बार। अगर महीने में हर बार करते रहे हर महीने में, तो आपका टब एकदम क्लीन रहेगा। दुकान मिल जाएगा, किराने की दुकान जहाँ से सामान लाते हैं वहाँ से मिल जाएगा, बड़े बड़े दुकान में मिल जाएगा, छोटे मोटे दुकान में नहीं मिलेगा वो। अच्छा, अवेलेबल नहीं, सुपर मार्केट वगैरह में मिल जाएगा, सुपर मार्केट में मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन धोने का लिक्विड दो बोलने से दे देंगे, दे देंगे। ठीक, ये आपका फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक ठीक ठीक, आठ है यहाँ, आठ छोड़ दिए, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब कह देखिए दो घंटा दिखा रहे हैं, दो है मतलब दो आवर्स हाँ, उसको मिनट मत समझिए, हाँ, नहीं आवर्स हाँ। फिर इसको स्टार्ट कर देना है, तो आपका दो घंटे के अंदर पानी वानी पूरा ले लेगा अपने ऑटोमेटिक में, और पूरा चीज दो घंटे में आपको पूरा क्लीन करके देगा, पूरा साफ सुथरा करके दे देगा। अगर आपको कैंसिल करना है फिर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फिर आप अगर वॉश नहीं करे समझ में आता, तो आप पावर ऑफ करके फिर पावर ऑन कर सकते हैं कैंसिल करने के लिए। ये अभी आपका नॉर्मल में चलाना है, मान के जो दो कपड़ा है तो आप एक सेलेक्ट किए पहले यहाँ पे, फिर आपको वाटर लेवल चेक करना है कितना, दो कपड़ा है तो ऑटो में रखते हैं तो क्या होता है पांच लेवल चार लेवल ऑटोमेटिक आ जाता है, तो अगर दो कपड़ा तीन कपड़ा यूज करना है तो यहाँ पे दिया है वाटर लेवल, तीन आ गया, चार, पाँच, पाँच में तो बहुत टाइम लेता है, आप एक रख दिए या फिर दो में रख दिए, दो तीन कपड़ा के लिए तो एक में रख देने। और आपको अगर वॉश करना है, रिंस करना है, स्पिन करना है, तो तीनों लाइट को जलने देना है। अगर आपको वॉश नहीं करना है तो बटन दबाए देखो, रिंस करना है काली तो रिंस भी कर सकते हैं, स्पिन करना है तो स्पिन भी कर सकते हैं। अगर आपको वॉश और रिंस भी करना है तो दोनों के लिए भी कर सकते हैं आराम से इजीली। अगर इस दोनों में अगर फंक्शन में चलाएंगे ना तो आपका पानी ड्रेन ही होगा, पानी ड्रेन ही होगा, जमा रहेगा वॉश और रिंस में। अच्छा ठीक है, फिर आपको क्या करना है इसको हटा देना है, होने के बाद फिर यहाँ लाए, रिंस किए, रिंस में स्टार्ट किए, तो आपका कपड़ा सूख भी जाएगा और पानी ड्रेन भी हो जाएगा ऑटोमेटिक कपड़ा निकाल के। ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन चला सकते हो, तो पानी रुक जाएगा तो आप डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, उसको आप अलग से फंक्शन में स्पिन मिला के पानी को ड्रे कर सकते हैं स्टार्ट बटन दबा के। अगर आपको कुछ नहीं करना है, फुल्ली ऑटोमेटिक में चलाना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ऑन किए, ये अभी एक है स्टार्ट, कपड़ा लाए ना मैम, बताऊं कपड़ा लाए ना सैंपल इधर तो है, अरे नीचे अगर हर एक वॉश के बाद दो वॉश के बाद ये यहाँ पे है फिल्टर दिया है, ये फिल्टर को ऐसा क्लिक करना है, नीचे नीचे दबाना है तो खुल जाता है, सो ऐसे खोलना है, यहाँ पे गंदे महिला कुछ कपड़े के धागे टूट जाते हैं, बटन टूट जाते हैं, इसमें आके फंस जाते हैं, उसको ऐसे निकाल के बाहर साफ करना है, ऐसा क्लिक करना है थोड़ा सा, इसमें लगाना है ऐसा ऐसा दबा दिए तो खुल लॉक हो जाता है, इससे आपका जो भी कपड़े का गंदगी उसमें जमा हो जाएगा। लाइए ना मैम कपड़ा, लाइए सैंपल। एक कपड़ा
देखिए हम लोग यहाँ पे दो कपड़ा डाल दिए, दो कपड़ा के लिए तो ज्यादा पानी नहीं दिए, जो जितना भी कपड़ा डालोगे ना, दो कपड़ा है तो कपड़े से थोड़ा सा पानी ऊपर रहने देना चाहिए ताकि वो मशीन अच्छे से घूम जाए। अगर जगह ज्यादा अगर जगह नहीं दोगे, इतना भर के रखोगे कपड़ा, पानी थोड़ा इतना सा आएगा और जिसको घूमने घूमने थोड़ा दिक्कत जाएगा, तो इससे साफ होता नहीं है जल्दी, थोड़ा लेट से होगा साफ, लेकिन होगा जरूर। अब दो तीन कपड़ा रख के दोगे ना तो मशीन में अच्छे से घूमना चालू हो जाएगा, देखो ऐसा ऐसा घूमने चालू हो जाएगा और आपका कपड़ा भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ज्यादातर ना पांच कपड़ा छह कपड़ा ऐसा इस्तेमाल करेगा ना तो आपका कपड़ा अच्छे से साफ होके जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बारे में। बंद कर दिए दरवाजा इसका और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऑटो में चलाना है, यहाँ पे ऑन है अभी, बस स्टार्ट कर देना है तो फुल्ली ऑटोमेटिक है। अपना ऐसे वजन भी डिटेल कर लेता है, कितना पानी चाहिए वो भी डिटेल कर लेता है, तो उसको चालू कर देंगे और पानी आते रहेगा। इसको पानी को चालू रखना है ऐसा, लेकिन ये ध्यान देना है उसको जब भी मशीन चलाओ उसको हमेशा ऑन रखना है। ये वॉश के टाइम एक बार पानी लेता है, फिर रिंस में आता है तो वॉश का जो भी सारा पानी है वो निकल जाता है बाहर में, फिर रिंस में फिर एक और एक बार पानी लेता है, मतलब ये दो बार पानी लेता ही है, तो वो ऑन ही रहना चाहिए, उसको ऑन ही रहना, बंद नहीं करना है। हाँ तो सर्फ तो नहीं डाली हूँ ये देखिए, अभी सकते यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पर डालती हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्फ डालने के लिए रिंस वगैरह, दो कपड़ा तो ज्यादा मत डाले, दो कपड़े के हिसाब से आपको ये सर्फ एक्सेल है ना, बहुत खारा है ये, हो गया हो गया। यहाँ पे टाइमिंग दिखा दिया दो कपड़े के लिए 40 मिनट, या 40 मिनट में आपको पूरा क्लीन करके देगा। अगर आपको नॉर्मल नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ दूसरा सुपर क्विक वॉश चाहिए तो इसमें से कर दिए और चालू फंक्शन, दूसरा ये दूसरा आगे क्विक वॉश, कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है। अभी पहले मशीन घूमेगा, उसको वजन डिटेक्ट करेगा कितना वजन है, फिर इसको कितना पानी चाहिए, फिर वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर टाइमिंग बता देता है यहाँ पे, उतना टाइम में आपको कंप्लीट कर देगा। जब भी कंप्लीट होगा तो बीप बीप का साउंड आएगा, तो समझ जाना कि काम कंप्लीट हो गया है। आधा घंटा बाद एक घंटा बाद कभी भी आप निकाल सकते हो, तुरंत भी निकाल सकते हो, तुरंत भी मतलब पूरा क्लीन हो जाता है, सूख भी जाएगा। हाँ सूख भी जाता है। तो ये भैया ने हम लोगों को वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है, और आप भी सैमसंग से कोई भी चीज़ लें तो भैया आके आपको अच्छे से समझा देंगे, तो इसलिए जो है आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर केयर वाले हैं भैया। तो हाँ, मेरा नंबर है 8964045401, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हैं, सिवा में आज ही रह जाऊँगा।